Good morning students, myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tom. Students, in previous video we discussed about weather, what the weather is. Weather is the atmospheric conditions of a place in a day-to-day life, right? किसी particular place पे हर दिन की जो atmospheric condition होती है that is called as the weather. And that weather can change in any hour or in morning to evening or in any day, right? So now we are going to discuss what the climate is. हमारा chapter का name था weather, climate and adaptations. तो हम weather के बारे में बात कर चुके हैं, आज बात करते हैं climate क्या है. Students, climate is the average weather pattern of a place taken over a long time, say 25 years. अब weather तो हर दिन हर घंटे में change हो जाता है, but अगर किसी particular place का हम almost for 25 years तक के लिए, long time के लिए हम keenly अगर वहाँ का weather observe कर रहे हैं, and if that weather remains at the most of the time constant. लाइक कोई एक प्लेस है जहाँ पे पूरे ईयर में मैक्सिमम टाइम रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? इट विल बी वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर्स जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल बहुत कम होगा, दैट प्लेस विल हैव द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो ऐसे क्लाइमेट मतलब क्या हुआ कि अगर हम लंबे टाइम तक किसी पर्टिकुलर प्लेस की वेदर की अगर रिपोर्ट प्रिपेयर करें देन दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट. वेदर हर आर भी चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इट कैन नॉट चेंज इन एवरी आर. इट्स चेंजिंग टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. आफ्टर डिस्कशन ऑन द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइमेट. Like if you are asked that what the climate of Rajasthan is, the state in which we are living, so the Rajasthan state at the most of the time of the year we have maximum sunlight and very less rainfall. Rainfall बहुत कम होता है यहाँ पे. That's why the climate of Rajasthan is known as a hot and dry climate, right? Typically we are living in a desert area. If we talk about the climate of Srinagar, Jammu and Kashmir के अंदर, तो श्रीनगर के अंदर वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? Moderately hot and wet. वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा सनलाइट भी नहीं है, मॉडरेट है. तो वहाँ का क्लाइमेट भी कैसा हुआ? Moderately hot and wet climate. If we talk about Thiruvananthapuram in Kerala, the climate of Thiruvananthapuram, it is hot and wet. मतलब यहाँ पे most of the time of the years यहाँ पे heavy rainfall होता है, and because of that heavy rainfall the climate is wet. और वहाँ पे in summer days heat भी बहुत ज़्यादा होती है, sunlight भी बहुत ज़्यादा है, that's why the climate is hot also. If we talk about the climate of northeastern India, the northeastern India is the region where most of the time it has maximum rainfall. Rainfall बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे. That's why the climate of this place is the wet and humid climate. ज़्यादा rainfall होगा तो उसके moisture जो है water में present रहता है, makes the climate humid. Students, let's talk about the factors which affect the climate of a place. हमें समझ लिया कि climate क्या है. वेदर तो हर एक घंटे में चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट जल्दी से चेंज नहीं होता. अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, से फॉर 25 इयर्स, तब उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द क्लाइमेट. अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट, दैट इज अमाउंट ऑफ सनलाइट इट गेट्स. अभी हमने ऑलरेडी बात की थी एग्जांपल्स के अंदर, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है, सन की रेज बहुत ज़्यादा हैं, हीट का रेडिएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन दैट प्लेस विल बी नोन एज दी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन. उस प्लेस की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन. दैट प्लेस विल बी हैविंग, इफ व्हाट इज द वेदर, द रीजन इज हिली और अ प्लेन. जितने भी हिल स्टेशन होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द प्लेन एरियाज. तो प्लेन एरियाज का क्लाइमेट इट विल बी हॉट एंड वार्म, बट द क्लाइमेट ऑफ अ हिली एरिया इट विल बी कोल्ड इनफ. वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा कोल्ड रहता है.
The next factor is distance from the sea. The areas which are situated near the sea, जो coastal areas हैं वहाँ पे generally cool breeze they keep on blowing, तो वहाँ का climate कैसा रहेगा? It will be cool and humid, साथ में humidity भी वहाँ पे रहती है. In the comparison of the other region, desert area की बात करें तो वो coastal area से बहुत दूर है, वहाँ पे कोई water bodies बहुत कम present हैं, तो उसकी वजह से वहाँ का climate कैसा हो जाएगा? Hot and dry हो जाएगा. Coming to the next factor, which is direction of prevailing winds from the sea. जो सी से ये winds direction winds blow कर रही हैं, उन winds की direction क्या है, इस पर depend करता है कि वहाँ पे rainfall होगा या जो plain areas है वहाँ का weather कैसा होगा, dry होगा. So the direction of winds from the sea is it also affects the climate of a place. The next factor is ocean currents. अगर मान लो जो सीज हैं, ओशियंस हैं, उनसे वार्म एयर करंट अगर ब्लो कर रहे हैं, देन द एरिया अराउंड इट विल हैव द वार्म क्लाइमेट. इफ द सीज एंड ओशियन दे आर प्रोड्यूसिंग द हॉट करंट्स, एयर करंट्स, तो वहाँ का एरिया कैसा हो जाएगा, बहुत ही हॉट हो जाएगा. कोल्ड एयर करंट्स, तो वहाँ का एरिया कूल हो जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट फैक्टर विच इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरिएशन. हम बार बार यही बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. रेनफॉल पैटर्न भी डिपेंड करता है. इफ द रेनफॉल इज़ वेरी हैवी देन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज वेट एंड ह्यूमिड, अदरवाइज भी ड्राई रहेगा. कमिंग टू लास्ट फैक्टर विच मे अफेक्ट द क्लाइमेट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. Now it becomes very important to know what the equator is. हम equator word किसके लिए use करते हैं? Students, in this diagram we have shown the earth. हमने earth को यहाँ पे figure out किया है. The imaginary line which is passing from the center of the planet. किसी भी planet के, जैसे हम यहाँ पे earth की बात कर रहे हैं, तो earth के बिल्कुल center से जो imaginary line pass हो रही है at the 0 degree latitude. So that imaginary line is known as the equator. This equator, it divides the earth into two parts. Those are northern hemisphere and southern hemisphere. जो इस equator का ऊपर का portion होगा वो northern hemisphere है, and इस equator का जो below area है that is called as the southern hemisphere. So we were talking about the factor which affects the climate of a place, distance from the equator. If the areas which are just near this equator, equator के just to pass के areas हैं, these areas they have tropical zone. Now sun की जो position है, it is at the equator. यहाँ पे sun present रहता है equator पे. So जो ये tropical zones हैं equator के बिल्कुल साथ के ऊपर का और नीचे का जो area है, these places they have direct sunlight. यहाँ पे जो sun की radiations हैं, light वो कैसे पहुँच रही है, maximum intensity के साथ वो पहुँचेगी. Because of this, these areas they are very hot. बहुत the hot और dry areas ये होते हैं. That's why these areas are called as tropical zone. तो tropical zone का मतलब क्या है? Those zones which are very hot and dry. अगर हम ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर की तरफ मूवमेंट करें या थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट करें, देन दीज एरियाज आर नेम्ड एज टेम्परेट जोन. अब टेम्परेट जोन क्या होंगी? टेम्परेट जोन्स आर दोज जोन्स विच हैव मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस. दैट मीन्स यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट है. यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, दैट इज़ ऑल्सो मॉडरेट. तो जो मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, दे आर हैविंग दी टेम्परेट जोन. अब टेम्परेट जोन के अंदर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस क्यों हैं? बिकॉज दीज एरियाज आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर. ये इक्वेटर से काफ़ी दूर हैं, तो जब सन की रेज इन एरियाज तक पहुँचती है, that reaches in the slanting pattern. वो थोड़ा सा slanting pattern में जाएगी, ज़्यादा distance वो cover करेगी. And because of this, the intensity of heat radiations that decreases a little bit. जो sun की rays की, sunlight की जो intensity थी, capacity थी, वो थोड़ी सी क्या हो गई? Decrease हो गई है. That's why these zones are known as temperate zone. जो बिल्कुल हम एंड की पोल्स की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दीज जोन्स आर नोन एज पोलर जोन्स. इनको हमने पोलर जोन्स कहा है.
तो पोलर जोन के अंदर क्या होता है, एज दे आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर ये प्रेजेंट है, सिचुएटेड हैं। तो यहाँ पे जब सन की रेज पहुँचेंगी वो जस्ट इमेजिन कितनी ज़्यादा स्लैंटिंग हो रही है, तो उनकी जो इंटेंसिटी है हीट इंटेंसिटी वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। दैट इज द रीज़न दैट पोलर जोन्स दे हैव वेरी मैक्सिमम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। दे हैव ओनली वन सन सेट एंड वन सन राइज इन द वन ईयर, एक साल में पूरे साल में सिर्फ एक बार वहाँ पे सनसेट होता है और सिर्फ एक बार वहाँ पे सनराइज होता है। सो दिस इज हाउ इन दिस डायग्रामेटिक पैटर्न वी डिस्कस द डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द अर्थ, जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि कोई प्लेस इक्वेटर से किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीन शॉट ऑफ द स्क्रीन। And that's all for today's video. Thanks for watching.